हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया है, तो अगर आप वो वाला वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हो तो एक बार उसको देख लेना। उसके बाद जब आप ये वाला वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान दो, स्टेटमेंट गिवेन है, इस स्टेटमेंट को रीड करके दो लीनियर इक्वेशन हमें प्रिपेयर करना है, फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल हम वहाँ पे यूज़ में लेंगे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, उन वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, यानी अगर हम वेरिएबल एक्स और वाई यूज़ में ले रहे हैं तो एक्स और वाई के वैल्यू को ढूंढना है, तो उसी को लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है, एक्स और वाई के वैल्यू को ढूंढना। और यहाँ पे किस मेथड से ढूंढेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है रिमूव, रिमूव। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है और फिर दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को ढूंढ लेना है। जब वो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो उस वैल्यू को ले जा करके हम फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और उसके हेल्प से दोनों वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे स्टेप्स कैसा यूज़ करना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट से इक्वेशन तैयार करो, प्रिपेयर करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2% का इनकम दे रखा है 9:7 और उन्हीं 2% का खर्च दे रखा है 4:3 और दोनों मैनेज करके बचा ले रहे हैं 2000 रुपया। तो बताइए उन दोनों का मंथली इनकम क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का जो इनकम है उसको हम लोग रेशियो अलग करके लिख लेते हैं 9x। सेकेंड पर्सन का जो इनकम है उसको भी रेशियो से अलग किए तो 7x हो जाएगा। ठीक है, रेशियो अलग करने पे कोई वेरिएबल लगाते हैं तो इनकम वाले में हम एक्स लगा रहे हैं, एक्सपेंडिचर वाले में वाई लगा देंगे। इसका एक्सपेंडिचर है तो 4y, इसका एक्सपेंडिचर सेकेंड वाले का 3y। ठीक है, दोनों ये इनकम था, इसमें एक्स वेरिएबल का यूज़ कर लिए रेशियो हटाने के बाद, एक्सपेंडिचर था यहाँ पे वाई वेरिएबल का यूज़ कर लिए। अब दोनों मैनेज करके 2000 रुपये बचा रहे हैं, यानी सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। तो दोनों का सेविंग निकालते हैं, फर्स्ट पर्सन का निकालते हैं तो 9x माइनस 4y, ये फर्स्ट पर्सन का है इनकम और एक्सपेंडिचर, घटाएंगे तो क्या आएगा? 2000 रुपये आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको इनकम में से सेकेंड पर्सन का निकालते हैं तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो 7x माइनस 3y। और बोला है ना ईच ऑफ देम सेव कितना कर रहा है? 2000 रुपये। दोनों मैनेज कितना कर ले रहे हैं? 2000 रुपये। तो इसका भी 2000 रुपये बचेगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स, दो लीनियर इक्वेशन तो प्रिपेयर हो चुका है। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना आप। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना, तो जो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे 9 दिख रहा है, एक्स का कोफिशियंट 7 दिख रहा है, वाई का कोफिशियंट 4 है -4 और वाई का कोफिशियंट नीचे वाले में -3 है, तो आपको एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे तो आप एक्स कर लो या वाई कर लो। मैं यहाँ पे इजी मुझे वाई लग रहा है इसलिए मैं वाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाई का जो कोफिशियंट है ना स्टूडेंट यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखो वाई का कोफिशियंट है 3, दोनों के कोफिशियंट को हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। पहले कैसे करेंगे इक्वल? तो देखो इसके इसके कोफिशियंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोफिशियंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा? इन दोनों वेरिएबल के कोफिशियंट इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, 3 नंबर का, -3 का नहीं करेंगे, 3 से कर दे रहे हैं। तो देखो 3 से करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 27x आएगा इसमें, -4 3 12y, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कितना आएगा उसके बाद? 6000। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आ गया। इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर देंगे। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करो तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाले में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 4 28x माइनस का 12y, 4 3 12, इसमें करेंगे 4 का, इसमें 4 से किए, इसमें भी 4 से करेंगे, तो यहाँ आएगा 8000। ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, एक्स वेरिएबल का कोफिशियंट है 27, एक्स वेरिएबल का कोफिशियंट है 28, वाई वेरिएबल का कोफिशियंट है 12, वाई वेरिएबल का कोफिशियंट आ गया माइनस का 12, दोनों जगह इक्वल आ गया ना। तो यही करना होता, यही मेथड है, बस यही आपको समझना है। अब दो इक्वल आ गया, आपका क्या करना, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी थर्ड
माइनस फोर्थ कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, 27x माइनस का 12y 6000, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 28x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा और यहाँ माइनस 8000 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस का 2000 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का x आएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस का ही प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, माइनस यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को रिमूव कर देंगे तो x का आंसर क्या आ गया, 2000, ठीक है, ये आ गया x। अब आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, या तो फर्स्ट में रख दो, सेकेंड में रख दो, या आप यहाँ भी रख सकते हो, किसी में भी रख दो, तो आपको y मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करके फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 2000। अब आप इसमें से एक कोई इक्वेशन यूज करो, वहां पे x का वैल्यू को रख दो, तो 9 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। x का जो वैल्यू आया था ना 2000, उसको हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिए, ठीक है, यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x के वैल्यू को रख दिए, तो देखो 9 इंटू 2000 हो गया, माइनस का 4y 2000, अब ये हो गया 18000, माइनस का 4y ये हो गया 2000, इसको इधर ला, 4y को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2000 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16000, है ना, 18000 में से 2000 घटेगा तो, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4000, यानी y आ गया स्टूडेंट 4000, ठीक है। अब x का भी वैल्यू आपके पास आ चुका है, y का भी वैल्यू आ चुका है, अब आपको करना क्या है, दो यहाँ से अभी रुपीस का सिंबल हटा देते हैं, अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे तो इनकम फाइंड करना था, तो हमको तो यहाँ पे y फाइंड करने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर नहीं बताना है, बट मैंने आपको यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू ये भी आपको समझा दिया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको y का भी वैल्यू बोलेगा ढूंढने के लिए, तो कैसे आप ढूंढोगे x का वैल्यू निकालने के बाद, या ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे इनकम का हम लोग आंसर करते हैं, इनकम का आंसर कितना है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है 2000, तो इसका इनकम पहले वाले व्यक्ति का इनकम आ गया 18000 रुपया, ठीक है। दूसरे वाले व्यक्ति का निकालते हैं तो 7x यानी 7 मल्टीप्लाई 2000, तो दूसरे वाले व्यक्ति का भी इनकम आ गया 14000, ठीक है। इस तरह से दोनों का इनकम आ चुका है स्टूडेंट, यही मेथड था एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लो। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड से एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एग्जाम्पल नंबर 11 को समझाया था कि कैसे एग्जाम्पल नंबर 11 में कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो लेक्चर को देख लेना, उसके बाद जब आप ये वाला वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इससे पहले के भी जो वीडियोस है ना वो अपलोड कर दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो आइए देखिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है स्टूडेंट कि जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक वेरिएबल को रिमूव करना है, और एक वेरिएबल को कब रिमूव कर पाओगे, जब उनके कोफिशियंट को इक्वल कर पाओगे। तो देखो y का जो कोफिशियंट यहाँ पे 3 है, y का कोफिशियंट 6 है, x का कोफिशियंट 2 है, x का कोफिशियंट 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोफिशियंट इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को पकड़ना है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल को लेना है और उनके कोफिशियंट को इक्वल कर देना है। तो मैं x के कोफिशियंट को इक्वल कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ x का कोफिशियंट 2 है, यहाँ x का कोफिशियंट 4 है, तो हम फर्स्ट वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके कोफिशियंट को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको नया इक्वेशन क्या मिलेगा, 8x, 4 को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 टू जा 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा ना, और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 12 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा तो 32 आएगा,
तो ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आप इस x के कोफिशियंट को हम मल्टीप्लाई किए थे फोर इस वाले में, इसके x के कोफिशियंट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, तो यानी x का कोफिशियंट 2 है, तो इसको 2 से यानी सेकंड वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 2 से करेंगे, देखो यहाँ पर 2 से करेंगे, 4 2 8x, 6 2 12y और 7 2 14, ये अपना बन गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो x का जो कोफिशियंट है, अब जो नया इक्वेशन मिला है उसमें x का कोफिशियंट इक्वल हो गया। आप बोलोगे सर y का भी आ गया, तो ये को इंसिडेंसली यहाँ पे y का कोफिशियंट इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप देखना ऐसा जब हो जाएगा ना तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे देखो, अभी हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। अब करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप मल्टीप्लाई कर लो और कोफिशियंट इक्वल कर लो किसी एक वेरिएबल का, तो थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देना है। जैसे ही आप थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को घटाओगे, तो ध्यान से देखो 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 32, ठीक है। माइनस करना मतलब इनके साइन को बदल देना है, तो माइनस का 8x, माइनस का 12y और माइनस का 14। आप थर्ड में से फोर्थ को घटा रहे हो, तो फोर्थ वाले का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। घटाने से क्या होता है, साइन बदल जाता है, ऐसा आप छोटी क्लासेस में सीख रखे होगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ पे क्या आया, जीरो आया। इसको जब घटाओगे तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसने कैरी दिया तो 2 में से बन गया 1, तो 18 आया। तो क्या 0 18 के इक्वल हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तब इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसका जो दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन इस वाले एग्जाम्पल का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, तो हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, ठीक है। जब ग्राफ पैरेलल बनती है तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आता, यानी यहाँ x और y का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ये कब आ रहा है, जब x का भी कोफिशियंट सेम हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और y का भी कोफिशियंट सेम हो गया, इसलिए नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये एग्जांपल नंबर 12 था। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।